नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम 1 जून से लेके 18 जून तक छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, वीकली सेशन हम एनालिसिस अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में कुछ खास कंटेंट नहीं आ रहा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो भी प्रोग्राम्स होते थे या फिर जो भी अनाउंसमेंट्स होते थे गवर्नमेंट्स की तरफ से या जो भी इनिशिएटिव लिए जाते थे बहुत कम आ रहा है। इसीलिए जो है आपके ये 18 दिन के आसपास में कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट कंटेंट आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले, इस लेक्चर का आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से पहले जुड़ जाइएगा। वहां आपको PDF मिल जाएगा। 24 आवर के बाद PDF अपलोड कर देते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप बाद में लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा करेंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए। ठीक, चलिए सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कम से कम 2 से 3 मिनिमम और इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो सारे स्कीम्स को अच्छे से करके जाइएगा। इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किन्हें नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमने पिछले वीडियो में सारे टॉपिक्स को एनालिसिस कर रखा है, तो अभी तक पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम अपना आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ वन डे एग्जाम के लिए बल्कि जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, चाहे आप एसे राइटिंग लिख रहे हो, चाहे आप कहीं भी मेंस का पेपर में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वहां पर भी वैल्यू एडिशन के तौर पर इसके पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं बताते चलूंगा, आप बेहतर तरीके से इसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2021। हाल ही में इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। 3 जून को नीति आयोग ने इसे जारी किया। यह इसका तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। सबसे पहला SDG इंडिया इंडेक्स जो है 2018 में जारी किया गया था, यह तीसरा संस्करण है। तो वन डे एग्जाम में संस्करण भी पूछ सकता है, तो तीसरा आप याद रखिएगा। और SDG जो है वो यूनाइटेड नेशन के सहयोग से इस इंडिया इंडेक्स को जारी किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आखिर है क्या। तो देखिए, हर इंसान की, चाहे किसी भी कंट्रीज में चले जाओ, वहां जीवन यापन करने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं चाहिए और जब तक बुनियादी सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी आप उस देश को विकसित नहीं कर सकते, यानी कि आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश का या फिर उस राज्य का या फिर उस क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं बहुत मजबूत हो। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में SDG के तहत 17 गोल को निर्धारित किया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 17 अलग अलग सेक्टर को उसमें शामिल किया और 2030 का टारगेट रखा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को SDG को 2030 तक प्राप्त करना है। 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा, इंडिया के द्वारा भी इसे अडॉप्ट किया गया। तो यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि SDG में जो 17 गोल मैंने आपको बताए वो 17 गोल किस प्रकार से है। तो 17 गोल इस प्रकार से है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है, गुड हेल्थ से रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है। इस तरह से आप देखोगे तो जो बुनियादी सुविधाएं होती है, इस तरह के 17 टोटल गोल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है। लेकिन इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 16 गोल को अडॉप्ट किया है इन 17 गोल में से। क्लियर है, समझते चलिएगा। चलिए, इसके बाद यहां पर हम एक पॉइंट पे चले जाते हैं कि नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इंडेक्स क्यों जारी करता है।
तो जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन का यह जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे इंडिया में जो है पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी और उस पे नजर रखने की जिम्मेदारी नीति आयोग के पास में है। और नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके कि मैंने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया, मैंने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया, तो राज्यों के बीच में एक मोटिवेशन का काम होता है। इसीलिए नीति आयोग जो है हर साल 2018 से इस तरह का रैंकिंग जारी कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु एजेंडा तैयार किया गया था, जिसे कि 2030 तक चलाना है, और इसमें टोटल 17 बुनियादी जो है वो लक्ष्य हैं, वो इस प्रकार से हैं। ठीक, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बेहतर तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सारा कंटेंट बहुत अच्छे से विजिबल है। ठीक है, चलिए अब इस रैंकिंग पर थोड़ा सा नजर डालते हैं जो इस वर्ष रिलीज किया गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो रैंकिंग दिया जाता है, हर एक गोल का अलग अलग रैंकिंग होता है, जिसमें 0 से 100 तक पॉइंट दिए जाते हैं। 0 से 100 तक पॉइंट दिए जाते हैं, यानी कि मतलब इसे भी अलग अलग कैटेगरी किया गया है। तो जो राज्य या फिर जिस क्षेत्र में 0 से 49 तक स्कोर करते हैं वो एस्पिरेंट कहलाते हैं। 50 से 64 तक जो राज्य या फिर जिस क्षेत्र में स्कोर करते हैं वो परफॉर्मर कहलाते हैं, और फ्रंट रनर 65 से 99, और अचीवर यानी कि 100। अचीवर का मतलब हो गया कि उस गोल को उस राज्य ने प्राप्त कर लिया अगर वो 100 पाता है तो। ठीक है, 2030 तक राज्यों को भी टारगेट दिया गया, छत्तीसगढ़ ने भी अडॉप्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो यहां पर देखिए, एस्पिरेंट स्टेट में अगर आप देखोगे तो एक भी राज्य नहीं है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में हमारे देश में हमारे जो राज्य हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। 2018 में इसमें कुछ स्टेट थे, लेकिन 2019 के बाद एस्पिरेंट स्टेट जो थे वो बाहर आ गए। परफॉर्मर स्टेट में है मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ भी इसमें आता है। तो इस तरह से टोटल यहां पर परफॉर्मर स्टेट है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ कौन से कैटेगरी में आता है, तो वो परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में आता है, जिसका स्कोर क्या था, 50 से 64 अगर स्कोर है तो परफॉर्मर स्टेट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहां आता है, परफॉर्मर स्टेट में। यहां पर वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत छत्तीसगढ़ कहां आता है, और फ्रंट रनर यानी कि जो राज्य इन राज्यों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतर है वो राज्य आ जाते हैं फ्रंट रनर में, और ये केरल, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आ जाते हैं, और अचीवर यानी कि 100 स्कोर प्राप्त करने वाला भारत का भी कोई भी राज्य नहीं है, ऐसा कहना है नीति आयोग के इस रिपोर्ट में। क्लियर है, चलिए। देश के समग्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। वहां पर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कैटेगरी है राज्यों को दिया जाता है, और इस वर्ष जो रैंकिंग रिलीज किया गया है, अगर हम ओवरऑल नीति आयोग के इस रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है यानी कि हमारे देश का जो रैंक है उसमें 6 अंकों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 60 अंक था 100 में से, और इस वर्ष जो है वो 66 है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडिया का तो वो परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। और वर्तमान में एस्पिरेंट अचीवर श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है परफॉर्मर श्रेणी में है, और 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है वो फ्रंट रनर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए, यहां पर ये देख लो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 16 गोल इंडिया ने अडॉप्ट किया है, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है, यानी कि कौन कौन से स्टेट सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है, तो ये आप यहां देख सकते हो। जैसे नो पॉवर्टी में तमिलनाडु आ जाता है, जीरो हंगर में केरला आ जाता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात आता है, क्वालिटी एजुकेशन में केरला आ जाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, यानी कि महिला और पुरुषों के बीच में जो समानता होता है, जेंडर इक्वालिटी होता है, उसमें छत्तीसगढ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इस रैंकिंग के तहत पूरे देश भर में अव्वल स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ में, अगर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये बेहतर हो जाता है, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो यहाँ पर पूरे देश भर में। और अलग अलग जो गोल है उसमें कौन से स्टेट ने बेहतर परफॉर्म किया है यानी कि टॉप पर रहा है, उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अगर चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक, चलिए, इसके बाद अगर हम ओवरऑल स्टेट को कंपेयर करें कि
टोटल 16 गोल में से कौन से स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो वो है केरल इस सूचकांक में। तीसरे संस्करण में 75 स्कोर के साथ यानी कि आउट ऑफ 100 ये फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद अगर आप देखोगे तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है, इन दोनों ने 72 स्कोर किया है। बिहार, झारखंड, असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है। अगर यहां पर हम टॉप 5 स्टेट और टॉप बॉटम स्टेट को देखें तो टॉप 5 स्टेट में आते हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, इन तीनों को मिला है 72, सिक्किम आ जाता है 71, महाराष्ट्र आ जाता है 70। अब बॉटम से 5 स्टेट तो यहां पर भी आपको एक वैल्यू एडिशन करने के लिए मिल जाता है कि छत्तीसगढ़ को और सुधार करने की आवश्यकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में, क्योंकि रैंकिंग जो है बॉटम 5 में छत्तीसगढ़ का आ जाता है 61 के साथ। छत्तीसगढ़ जो है नागालैंड और उड़ीसा के साथ नीचे से 5वें स्थान पे है, और अरुणाचल प्रदेश मेघालय जो है वो आ जाता है 60 के साथ में 4थे स्थान पे, और सबसे लास्ट नंबर जो है वो बिहार का है। तो इन चीजों को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर पिछले साल हम यहां पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले साल छत्तीसगढ़ को जो रैंक मिला नंबर मिला था ओवरऑल 56 100 में से, और इस साल 61 मिला है। हालांकि 5 नंबर का सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बॉटम 5 स्टेट में बना हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 के इस इंडेक्स में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो याद रखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला इंडेक्स था बहुत इंपॉर्टेंट था। आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो उसमें एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे या जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, पूछता ही पूछता है। तो आप एसी में भी वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो इंडेक्स, और कहीं अगर मेंस में और कहीं पर जैसे पेपर नंबर 5 हो गया या फिर पेपर नंबर 6 में हो गया तो वहां पर वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हो। इसलिए जितने भी मैंने डेटा बताया ना, बस आप उसे उतने ही को बेहतर तरीके से कर लेना। चलिए अगला टॉपिक, ये भी वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में टपकना ही है। ठीक है, बस्तर की रहने वाली है कौन, नैना सिंह धाकड़, जिन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन गर्ल भी कहा जाता है। इन्होंने 9 दिन के अंदर दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटी पर सफल चढ़ाई की है, और एक चोटी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट, और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। एक बात यहां पर ध्यान से नोट कीजिएगा, राज्य गठित होने के बाद यानी कि छत्तीसगढ़ जब से नया राज्य बना है उसके बाद से अगर हम काउंट करें तो नैना सिंह धाकड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब विभाजित नहीं हुआ था तब से काउंट करें तो नैना सिंह धाकड़ जो है दूसरी महिला है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा राज्य गठित होने के बाद नैना सिंह धाकड़ पहली, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तब नैना सिंह धाकड़ दूसरी। तो पहली कौन थी, तो पहली का नाम है सविता धापवाल, इनका भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये बिछेंद्री पाल के साथ में 1993 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, ये रहने वाली है भिलाई के। ठीक है, मिशन माउंट एवरेस्ट के तहत नैना 23 मई को जो है माउंट लोहोत्सु और 1 जून को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई इन्होंने किया, और पूरे बस्तर के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के साथ देश का नाम इन्होंने रोशन किया। ठीक है, नैना सिंह धाकड़ जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूर एक गांव है जिसका नाम है टाकरागुड़ा, यहां की रहने वाली है, और 2010 से यानी कि लगभग 10 साल पहले से इन्होंने जो है पर्वतरोही में इंटरेस्ट लिया और वहीं से इन्होंने बहुत सारे पर्वतों पर चढ़ना शुरू किया। अब याद रखिएगा मैंने बोला नैना सिंह धाकड़ महिला है, दूसरी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाया है हमारे राज्य से, लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो 2018 में सरगुजा संभाग के अंबिकापुर शहर के निवासी हैं जिनका नाम है राहुल गुप्ता, ये भी एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ से अगर टोटल देखोगे कि कितने लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो नैना सिंह धाकड़, राहुल गुप्ता और सविता धापवाल, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। और हाँ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है यह भी याद रखिएगा, 8848.86 मीटर। पहले कितना था, 8848, पिछले साल सर्वे हुआ तो 0.6 सेंटीमीटर बढ़ गया,
तो इसलिए अब है 8848.86 मीटर। ठीक, चलिए। नैना सिंह धाकड़ जब पर्वत पर चढ़ी यानी कि एवरेस्ट फतह की तो मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है वो अनाउंसमेंट? कि बस्तर में पर्वतरोही एकेडमी खोला जाएगा। जहां पर कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं या उस क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो पर्वत रोहण एकेडमी का निर्माण जो है वो बस्तर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्वत रोहण एकेडमी कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है, तो आंसर होगा बस्तर। बस इसमें और कुछ खास नहीं है, कुछ खास अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो बस उतनी ही बातों को याद रखिएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। एक किताब लिखा गया है और उस किताब को लिखा है किन्होंने, तो याद रखिएगा लेखिका का नाम है संजीता गुप्ता। इस किताब की खास बात क्या है? तो इस किताब का बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ तितलियों से संबंधित है, जो कि बताता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की यानी कि कितनी प्रजातियों की तितलियां पाई जाती है। ठीक, किताब का नाम याद रखिएगा। इसका विमोचन किसने किया? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया, वो याद रखिएगा। लेखिका का नाम जरूर याद रखिएगा। इस बुक में कितनी तितलियों का उल्लेख किया गया? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली 170 प्रजातियों का वर्णन किया गया और लेखिका का दावा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 170 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। लेकिन पिछले समय में, कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ में जो है अभी वर्तमान समय में 159 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं और उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि पहले छत्तीसगढ़ में 174 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं, लेकिन अभी 159 है और इस बुक में दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ में 170 प्रकार की यानी कि प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और संजीता गुप्ता कौन है? तो संजीता गुप्ता जो है वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक है यानी कि IFS है छत्तीसगढ़ की, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और यह भी दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों पर यह पहली किताब है यानी कि पहली बुक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये आज के हमारे इस एनालिसिस का लास्ट जो है वो टॉपिक है। दो एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन के बारे में आपको याद रखना है। हालांकि जब भी बरसात आता है ये दोनों एप्लीकेशन का जरूर जिक्र जरूर होता है। 2-3 साल पहले इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। नाम है मेघदूत और दामिनी। 1 साल CGPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेघदूत के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड यही है कि गांव-गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, वहां के जो भी ऑफिसर्स या पंचायत से रिलेटेड जो भी समितियां हैं वो इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन का काम क्या है? तो मेघदूत जो एप्लीकेशन है वो बारिश और मौसम के बारे में बताता है। यह एप्लीकेशन बताता है कि कब बारिश होने वाली है और कब जो है बादल आने वाले हैं, तो किसान जो है मेघदूत एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दामिनी एप्लीकेशन जो है वो 20 से 30 मिनट पहले आपको बता देगा कि कहां पर बिजली गिरने वाली है। बारिश के मौसम में बहुत आपको पता है कि बिजली गिरती है, इससे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। खासकर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे, जंगली क्षेत्रों में देखोगे तो वहां पर बहुत सारे किसानों की मौत हो जाती है। तो किसान जागरूक रह सके इसलिए दामिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उस क्षेत्र में कब बिजली गिरने वाली है, कितने मिनट बाद बिजली गिरने वाली है, तो 20-30 मिनट पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो किससे संबंधित है दोनों एप्लीकेशन, बस आपको ये याद रखना है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खास कंटेंट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि सिर्फ 5 या 6 टॉपिक हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे ये 18 दिनों में। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, न्यूज़पेपर्स भी एनालिसिस किया, DPRCG भी देखा, कुछ खास मुझे मिला नहीं। तो आप ये मत सोचिएगा कि कम कंटेंट है या क्वालिटी में किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बिल्कुल नहीं। जितना भी रहेगा, जितना भी आएगा, आपका एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।